गुड मॉर्निंग गाइस, आज 28th ऑफ मई है, यानी कि मेरे फ्रैक्चर को आज हो गए हैं पूरे 88 डेज़ कंप्लीट। तो जब मैं 85 डे के बाद जब डॉक्टर के पास गया था, तो डॉक्टर ने मुझसे दो चीज़ें बोली थी कि आप वॉकर से फुल वेट के साथ चल सकते हैं, और आप 10 से 20 दिन बाद फिर अगर आप चाहें, अगर आपको खुद से कॉन्फिडेंस आए, तो आप स्टिक का यूज़ कर सकते हैं। तो कल शाम सडनली मैंने एक बार सोचा कि क्यों ना एक बार स्टिक से ट्राई किया जाए, तो मैंने कल स्टिक से चलना स्टार्ट किया। तो घर के अंदर ही मैंने राउंड लगाए, जब मेरा एक वो राउंड लगाया तो मेरे को मेरे सामने तीन चीज़ें मेरे को जो मेनली फेस हुई, एक तो कि मेरे पैर में थोड़ी सी स्वेलिंग आ गई उसको चलने के बाद, सेकेंड थिंग इज़ मेरे एंकल में थोड़ा सा पेन था, और थर्ड थिंग मेरा जो बहुत हल्का सा पेन मुझे उस फ्रैक्चर वाली साइड पे था जहाँ मेरा फ्रैक्चर हुआ है, उस बोन पे भी हल्का सा पेन मुझे सब फील हुआ। खैर वो तो अब मैं पहली बार चला था तो ये मेरा एक्सपीरियंस हो सकता है। तो आज मॉर्निंग में मैंने सोचा है कि आज मैं बाहर जब वॉक करूँ तो मैं फुल वेट के साथ स्टिक से एक आध राउंड तो ज़रूर लगाऊँ। तो जब वो राउंड लगाऊँगा फिर आपको बताता हूँ कि वो एक्सपीरियंस कैसा रहता है। दूसरा मेन चीज़ ये है कि एक मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड बने हैं यूट्यूब के थ्रू, देवेंद्र यादव जी, जिनकी तरफ से एक बहुत अच्छी न्यूज़ आई है कि उनको डॉक्टर ने कह दिया कि अब वो स्टिक से चल सकते हैं। 45 डेज़ में उनसे बोला था कि फुल वेट से चलना है, और आज उनको बोल दिया है कि आप फुल वेट के साथ स्टिक से चल सकते हैं। तो आज वो स्टिक से चलना स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। लेकिन इस टाइम पर क्या होता है कि हम लोग बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, हम लोगों के मन में नेगेटिविटी आती है, सबके साथ ही ऐसा होता होगा मेरे हिसाब से, उनके साथ भी होता था, मेरे साथ भी होता था। हम दोनों आपस में बात करके एक दूसरे को बातें शेयर करके हम लोग अपने मतलब इंस्पायर होते थे एक दूसरे से कि ठीक है, उनके साथ जो होता था वो मेरे साथ शेयर करते थे, मेरे साथ जो होता था मैं उनके साथ शेयर करता था। हम दोनों एक दूसरे से इंस्पिरेशन लेके अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करते थे, और यही आप लोगों को भी करना चाहिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पॉजिटिव रहना है, क्योंकि इसमें नेगेटिव लेके कोई फ़ायदा तो है नहीं। पैर है, सही तो होगा ही होगा कभी ना कभी, डॉक्टर ने हमारा जब इतना बड़ा ऑपरेशन करा है तो यानी कि वो सही तो होगा ही इतना एक दिन। तो यही पॉजिटिविटी लेके हमें लोगों को चलना है। फिलहाल अभी मैं आपको बताता हूँ कि मेरा बाहर कैसा एक्सपीरियंस रहता है, वो सब आप लोग देखेंगे, और अगर आप लोगों के कोई अलग एक्सपीरियंस है तो आप लोग प्लीज़ मेरे साथ शेयर करें, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। और बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के, कि जब आप लोग बताते हैं कि आप लोग ठीक हो रहे हैं, तो वो सुन के बहुत अच्छा लगता है असल में। एक्चुअली हम लोग भी इंस्पायर होते हैं इस चीज़ से कि हाँ हम भी जल्दी सही होंगे। तो आप लोग प्लीज़ अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर ज़रूर करें। तो देखा आप लोगों ने, मैंने मॉर्निंग में जो पहली वीडियो थी वो मैंने मॉर्निंग में जो राउंड लगाया उसकी थी, और जो दूसरी वीडियो थी वो मेरी इवनिंग वॉक की थी। मैंने दो बार राउंड लगाया, और लगभग 3 to 4 राउंड्स मैंने आज लगाए हैं विद द हेल्प ऑफ स्टिक। तो मैंने स्टिक की सहायता से 3 4 राउंड लगाने के बाद जो एक्सपीरियंस निकल के आ रहा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। पहली बात जो मैंने आपको पहले सुबह बताया था कि मेरे को 2 3 प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कि मेरे एक एंकल में पेन था, जो मैं बता रहा था कि मेरे एंकल से मैं जब चल रहा हूँ तो मेरे एंकल में पेन हो रहा है, तो आज वो पेन नहीं हुआ पहली चीज़।
सेकंड चीज़ जो मैंने बताया था आपको, मेरे जो बोन में पेन हो रहा है, तो वो पेन बहुत ज़्यादा माइनर था, आज भी बहुत ज़्यादा माइनर था, मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा माइनर था, इवनिंग में वो पेन नहीं हुआ। थर्ड चीज़ जो स्वेलिंग आ रही थी, वो आज स्वेलिंग बहुत कम है, जो कल के मुकाबले देखा जाए स्वेलिंग है लेकिन पहले से कम है। तो ये तीन चीज़ें मेरे में निकल के आई हैं। और अब मैंने ये सोचा है कि मैं कुछ राउंड स्टिक के थ्रू और कुछ राउंड वॉकर के थ्रू चलूँगा, जो कि शायद सही रहेगा और जल्दी जल्दी रिकवर होने के लिए हेल्प करेगा। तो गाइस आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं, और बस सब कुछ सही हो जाए, सारे लोग ठीक हो जाएं जो हमारे साथ जुड़े हैं, वो सब नॉर्मल हो जाएं, इसी आशा के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होपिंग कि नेक्स्ट वीडियो जो बने उसमें हम आपको नॉर्मल चलते हुए नज़र आ जाएँ। तो सोचते तो यही हैं, देखिए अगर सब कुछ सही हो जाता है तो। मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, सब लोग अपना अपना ध्यान रखना, और बाय।